व्हाट्सअप के लवली पीपल, आई होप आप सब खैरत से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो फॉर द न्यू फेसेस दिस इज़ हाशिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, पहले आप ये सोच रहे होंगे कि सर पे टोपी क्यों है, तो कश्मीर में एक्चुअली सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जिसके कारण हम मोटो व्लॉग जो है नहीं आ रहे थे ज़्यादा अपने चैनल पर। बट अभी हमने सोचा कि आज ऑफ है मेरा एक्चुअली काम से, तो सोचा आज कहीं जाते हैं और आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं जो एक्चुअली अंडररेटेड प्लेस है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का उसमें पूरा पोटेंशियल है, तो वहाँ पर आज चलते हैं, जिस जगह का नाम है श्रंस फॉल। तो पहले मैं आमिर को पिक कर लेता हूँ सोपोर से और उसके बाद जो है हम चलते हैं श्रंस फॉल के लिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए आप फटाफट से सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप सबसे डायरेक्टली बाइक पे, बाय, सी या। व्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा सा इंसान जो है फंबल होता है, बट सीरियसली आई नीड दिस ब्रेक। तो एक्चुअली बाइक मेरे को वीक में एक बार चलानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो काम का स्ट्रेस होता है इन 4-5 दिन का, वो इस एक दिन में जो है पूरा निकल जाता है। अभी पहले बाइक में पेट्रोल भी कम है, तो पहले जाते हैं थोड़ा सा पेट्रोल भरवाते हैं। तो तेल हमने भरवा लिया है बाइक में, अभी चलते हैं आमिर के पास। तो ये रोड्स ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो आमिर से मिलते हैं और फिर करते हैं हम अपने मोटो व्लॉग को स्टार्ट। तो जी, आमिर को पिक कर लिया हमने एंड अभी हम संग्रामा पहुँचे हैं। तो पहले मैं आमिर के घर गया था सोपोर और वहाँ से इसको पिक किया। अभी हम श्रंस फॉल हमको जाना है, तो उसके लिए हमको पहले एक्चुअली स्ट्रेट रोड पकड़ना पड़ेगा बारामला से। अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्रंस फॉल के लिए, तापर के साइड से वो। तो पहुँच गए हम तापर और तापर से आपको जो है यहाँ पे राइट मुड़ना है। तो यहाँ पे एक्चुअली बोर्ड लगा हुआ है श्रंस फॉल के लिए, वहाँ जैसा आप देख सकते हो श्रंस फॉल 22 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से पहले हम ध्यान से रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ से आपको गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, अगर आप अपना व्हीकल साथ नहीं लेके आए हो और आपको इन गाड़ियों में जाना है, तो यहाँ से आप जा सकते हो श्रंस फॉल के लिए। तो रोड जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है श्रंस फॉल तक, और यही रोड जो है गुलमर्ग के लिए भी जाता है। तो अभी हम इस रोड पे जो जा रहे हैं, तो यहाँ से आप बाबा ऋषि, गुलमर्ग, द्रंग, श्रंस फॉल काफ़ी जगहों पे जा सकते हो। द्रंग मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, गुलमर्ग भी दिखा चुका हूँ, तो एक जो जगह बची है अब वो श्रंस फॉल है। सो यहाँ से रोड्स जो है वो काफ़ी नैरो है एंड अभी हम तापर से सीधा आ रहे हैं। और यहाँ पे जो आप देखोगे इंटरलिंक्स, जो जो जंक्शन से हर एक जगह पे मिलते हैं, ये सारे आपको श्रंस फॉल ही पहुँचाएँगे। लाइक आप पटन से भी निकल सकते हो, अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो वहाँ पे HMT के लेफ्ट साइड से जाते हैं, वहाँ से भी आप आ सकते हो। तो काफ़ी जगह है आने के लिए, बट हमारे लिए सबसे जो नज़दीक रास्ता है और साफ़ रास्ता है वो यही था, इसलिए हमने ये वाला रास्ता चुना है। और आप लेफ़्ट और राइट साइड पे देख सकते हो ये सारे पेड़ के जो बाग है यहाँ पे। तो जब समर्स होते हैं, इन पे अच्छे से फल होते हैं और पत्ते होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होती है इस साइड से, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज आप देखिए तो थोड़ा अलग ही वाइब दे रही है। तो ये जी पहुँचे हम क्रेरी, और ये है क्रेरी का मार्केट। तो क्रेरी का मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप सारी लाइक हर एक वैरायटी की शॉप्स देख सकते हैं। और ऑन द लेफ्ट वी हैव दिस हॉस्पिटल एंड ATM। तो यहाँ से आप अगर पैसे आपको निकालने होंगे तो यहाँ से आप जा सकते हो। तो यहाँ से मेरे को नहीं पता है कहाँ पे जाना है, तो वो पता कराते हैं। श्रंस फॉल कहाँ से? राइट, ओके। तो श्रंस फॉल जो है यहाँ से आपको राइट लेना है। तो ये वाला रोड आपको पकड़ना है श्रंस फॉल के लिए। ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया, चलो अस्सलाम वालेकुम। तो एक्चुअली बहुत टाइम के बाद आज यहाँ पे आ रहे हैं, तो रोड्स जो है वैसे याद नहीं रहते हैं। तो आपको एलिवेशन वाला रोड पकड़ना है और आपको सीधे ही ऊपर जाना है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली श्रंस फॉल पहुँचोगे। तो यहाँ से श्रंस फॉल जो है 7 किलोमीटर है, और यहाँ पे रिसेंटली ये
कलवर्ट बनाए, तो अभी यहाँ पे काम चल ही रहा है। तो ये पहुँच गए हम शेखपुरा क्रिरी, और यहाँ से जो है श्रंसफाल 3 किलोमीटर दूर है। और आज मैं जो है ग्लव्स ये समर वाले पहन के आया हूँ, तो सर्दी जो है बहुत ही ज़्यादा हाथों पे लग रही है एक्चुअली। बाकी इट्स ओके, बट विंटर वाले ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे। तो थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही थी रिसेंटली, तो आज अब इसको मैग्नमाइजेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि विंटर आ रहा है, और विंटर में मैग्नम जो है यहाँ पे रोड्स के साथ अच्छे से नहीं चिपकता। तो अब ये नेक्स्ट ईयर का प्लान ही होगा। तो यहाँ से जो है पूरा जमा हुआ है, ये एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जमा हुआ है पूरा, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो है सर्दी वो कितनी होगी इस टाइम पर। तो अभी हम शेखपुरा पहुँचे हैं एंड सोचा यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करते हैं। जो श्रंसफाल है वो यहाँ से अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बट सर्दी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हाथों की हालत आप देख सकते हो कैसी है। और ये रहे अपने आमिर भाई। तो आमिर भाई, अभी तक ठीक रहा सफ़र? सब तो ठीक है, लेकिन ठंड बहुत है। ठंड बहुत है ना, पता नहीं आज क्यों ऐसा। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद हम वैसे चला हाँ, एक्चुअली हमने बर्फ में भी बाइक चलाई है, तो बट आज बहुत टाइम के बाद जो है सर्दी में बाइक चलाई। तो भाई ये -25 आपका कौन सी सर्दी लग गई? हाँ, तो थैंकफुली थैंक गॉड मैं कल ये जैकेट लेके आया, ये -25 degrees है, तो इसकी वजह से जो है सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बट एक गलती हो गई कि मैं जो ग्लव्स लेके आया वो समर वाले ग्लव्स है, जिसकी वजह से हाथों की जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करते हैं, रुकते हैं और उसके बाद चलते आगे। तो ये रोड पे पूरी बर्फ लगी हुई है। ओह भाई साहब, सर्दी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ से। तो एक्चुअली पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। इन रोड्स पे हमने निंजा चलाई है बर्फ़ में, तो उस टाइम पे जो है रोड पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था, ब्लैक आइस जो है वो रोड पे लगी हुई थी, बट स्टिल हम मैनेज करके उस दिन बाबा ऋषि तक जा पाए थे। तो ये जो लेफ़्ट रोड है ये बाबा ऋषि गुलमर्ग के लिए जाता है, और यहाँ से आपको राइट मुड़ना है श्रंसफाल के लिए। तो ये है श्रंसफाल वाला रोड। तो ऑलमोस्ट हम बाबा ऋषि पहुँच ही गए हैं, तो किस टाइम आया तो वहाँ पे भी जाएंगे, बट पहले जो है जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं, पहले श्रंसफाल चलते हैं। सर्दी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइज, फाइनली वी मेड इट। तो अभी हम श्रंसफाल पहुँच चुके हैं, तो अभी आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो बट उससे पहले आमिर भाई से जान लेते हैं, थोड़ा सा मैंने इनको बाइक चलाने के लिए दिया था। आमिर भाई कैसा मजा आया बाइक चलाने में? बहुत यार खराब हो गया, खराब हो गया ना, हाथों पे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है ना। मुझे तो कुछ नहीं हुआ मुझे। तो अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। सो दिस इज द वे टू द श्रंसफाल। तो जब यहाँ से बर्फ़ होती है तो ये पूरी सीढ़ियाँ जो इन पे बर्फ़ लगी होती है और ब्लैक आइस जम जाती है इन पे, जिसकी वजह से चलना जो है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अभी हम अच्छे टाइम पे एक्चुअली आए हैं। So guys, we have finally made it to the top.
बहुत ही ज़्यादा थक गए यहाँ तक आते आते। तो पीछे से आप फॉल देख सकते हो, ये एक्चुअली अभी आधा जमा हुआ है, बट विंटर जब पूरी होती है यहाँ पे ऑन इट्स पीक तो ये पूरा जो वाटरफॉल है वो जम जाता है। अभी यहाँ तक तो आए हम, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ उस टाइम पे। तो वो नीचे अपने आमिर भाई, और ये यहाँ का कुछ व्यू है ऐसा, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। फाइनली गाइज वी मेड इट। आई होप आपको आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एक्चुअली इस वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, सीरियसली ये जो है रॉक क्लाइंब हमने आज पूरी रॉक क्लाइंबिंग की है और विदाउट एनी रोप्स। तो अगर आपको किसी भी कारण से आज के एफर्ट्स पसंद आए हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। दिस मी हैश ब्लॉग साइनिंग आउट। बाय बाय।